सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे चुके नजीब जंग ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है। नजीब जंग करीब एक घंटे तक पीएमओ में रुके। नजीब जंग ने कल एलजी पद से इस्तीफा दिया था। अभी तक नजीब जंग का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति अभी दिल्ली से बाहर हैं। कल नजीब जंग ने इस्तीफा दिया था। पीएमओ के अधिकारियों से मुलाकात हुई है। पीएमओ में एक घंटे से ज्यादा तक चली है मुलाकात। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नजीब जंग ने कल इस्तीफा दिया था और लगभग 20 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर से पता नहीं चल पाया है कि किन वजहों से नजीब जंग ने इस्तीफा दिया या उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कयासों, अटकलों और संभावनाओं का दौर अभी भी जारी है। कयास और अटकल इस बात की भी कि नजीब जंग ने किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी तरफ संभावना और अटकलों का दौर एक और भी जारी है कि अगले दिल्ली के उपराज्यपाल कौन होंगे और इसमें नजीब जंग कौन है। नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारी 2009 से 2013 तक जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई उन्होंने की है। नजीब जंग ने कल इस्तीफा दिया था। आपको याद होगा आज सुबह ही हम एक और तस्वीर भी आगे आपको दिखाएंगे कि आज सुबह ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे मुलाकात की है। मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश, पीएमओ के किन किन अधिकारियों से बात हुई है नजीब जंग की और किस सिलसिले में पीएमओ पहुंचे थे नजीब जंग? देखिये, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जो है प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे थे और करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है और करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे थे और 12:55 तकरीबन एक घंटे से ज्यादा समय तक वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रुके। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें इस बात को उनसे कहा गया है कि जब तक नई व्यवस्था नहीं बने तब तक वे अपने पद पर बने रहें और अपने इस्तीफे के कारणों को भी वो प्रधानमंत्री से शेयर किया है। इस्तीफे के कारणों को प्रधानमंत्री से शेयर किया है नजीब जंग ने। नजीब जंग का हालांकि इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं है और मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह हमें ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक स्थिति और भी क्लियर नहीं होती और जब तक कि नई व्यवस्था नहीं बना दी जाती है तब तक आप अपने पद पर बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के जब नजीब जंग निकले तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का अगला उपराज्यपाल कौन होगा? नाम प्रदीप बैजल का भी चल रहा है, किरण बेदी का भी चल रहा है, बीएस बस्सी का भी चल रहा है। यानी बैजल बेदी और बस्सी का यह सस्पेंस है। यानी अगर हम कहें ट्रिपल बी का यह सस्पेंस है तो शायद ज्यादा सही होगा। सीधे पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं। ट्रिपल बी के सस्पेंस से पर्दा कब उठेगा पुलकित, या इसके अलावा और कोई भी नाम है? देखिए, अभी तो इन तीनों का नाम ही सुर्खियों में है और जो सूत्र बता रहे हैं वो भी इन तीनों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जो राजनीतिक खेल है और राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि बैजल सबसे आगे चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो किसी और को लेते हैं तो उनके साथ आम आदमी पार्टी का टकराव रहा है और आने वाले दिनों में चुनावी माहौल होगा दिल्ली के अंदर, और अगर उसमें जनता के बीच ये संदेश जाता है कि केंद्र की तरफ से जो उपराज्यपाल का के पद पर बैठाया गया उससे कहीं ना कहीं टसल और ज्यादा बढ़ी आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच में, तो माहौल खराब हो सकता है। तो इसीलिए जानकार मान रहे हैं कि बैजल इस रेस में सबसे आगे है बस्सी और किरण बेदी के अलावा। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं और भी चल रही है, क्या वजह रही? ठीक है पुलकित, बहुत शुक्रिया पुलकित इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। पुलकित, ने थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बात की है। नजीब जंग से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की और अब मनीष सिसोदिया जी मिलके निकले हैं। सर, बहुत देर की मुलाकात आप लोगों के बीच में हुई, अरविंद सुबह नाश्ता करने पहुंचे थे और आप भी अब मिलके निकले, क्या चीज बताई उन्होंने आपको? नहीं, अच्छी बातचीत हुई। पिछले लगभग 2 साल का सफर उनके साथ रहा है, उससे पहले भी 1 साल और 1.5 साल रहा था उस दौरान। तो उन्होंने बताया कि मैं करीब 1 साल से सोच रहा था रिजाइन करने के लिए और मैं चाह रहा था कि आगे पढ़ाई करूं, पढ़ाऊं,
तो ऐसा उन्होंने कहा है सर, लेकिन एक लेटर सामने आया जिससे ये लगता है कि वो अभी रिजाइन करने के मूड में नहीं थे, छुट्टी पे जाना चाहते थे गोवा, और अचानक उन्होंने रिजाइन किया। देखिए अब इस अचानक के पीछे की क्या वजह है तो वही बता सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बता सकता है। कांग्रेस कह रही है आपकी और मोदी जी की तालमेल बैठ गई है और आप कोई ऐसी बीच में डील हुई है जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया। कांग्रेस तो कांग्रेस है, कुछ भी कह सकती है। सर एक आखिरी सवाल, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, अनिल बैजल का नाम चल रहा है, बस्सी साहब का नाम चल रहा है, किरण बेदी का नाम चल रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं कि दिल्ली के लिए बेहतर कौन होगा? देखिए नाम तो मीडिया से चल रहे हैं अभी, अभी कहीं से स्कीम्स एलजी नया सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन नामों पे विचार कर रही है वो सामने आए तो हमें पता चल सकता है, लेकिन ऐसे मीडिया में चले हुए नामों के बारे में टिप्पणी देना ठीक नहीं है। लेकिन बस्सी और किरण बेदी के लिए क्या कहेंगे अगर वो उपराज्यपाल बनती है दिल्ली के? कोई भी बने अगर दिल्ली के लिए कोई काम करेगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि बस्सी जी के साथ तो वैसे भी आपके संबंध ठीक नहीं रहे जब सरकार थी। महत्वपूर्ण मेरे संबंध या हमारे संबंध नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि दिल्ली को लेके अगर कोई दिल्ली के लोगों के काम रोकेगा तो वो कोई भी हो, आदमी अच्छा हो बुरा हो, हमारे लिए तो अच्छा और बुरा सिर्फ इतना है कि कोई चुनी हुई सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करने से रोके तो वो बुरा, और चुनी हुई सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करने दे वो अच्छा। आज की